वेलकम टू डिवाइन केयर। ब्यूटी सेक्शन में आज हम बात करेंगे एक फेस पैक के बारे में, जो कि विंटर सीजन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो हमारी एक ड्राई स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हमारी स्किन फ्लेकी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उससे हमें हैंडल करने में हमारी बहुत मदद करेगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें नीम पाउडर, शहद, हल्दी और पानी की ज़रूरत होगी। नीम पाउडर हमें चाहिए 2 चम्मच, साथ में 1 चम्मच हमें चाहिए शहद, 1 पिंच मतलब कि 1 चुटकी हमें चाहिए हल्दी, और इन सबको मिलाने के बाद हम पानी से इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो हमारे फेस और नेक पर इजीली फैल जाए। तो इस पेस्ट को बनाने के बाद हम अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। लगाने के बाद इसको 10 मिनट अपने फेस पर रखेंगे। जब ये थोड़ा ड्राई होने लगे तो हम इसको सर्कुलर मूवमेंट कराते हुए पानी से धो देंगे। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की कि ये जो हम फेस पैक लगा रहे हैं, इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। तो सबसे पहला हमने यूज़ किया नीम पाउडर। नीम पाउडर हम सभी लोग जानते हैं सभी स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन में ये सीबम के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। सीबम क्या होता है कि हमारे स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ा ऑयली या ग्लोइंग रहती है। लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके स्किन में जो ये सेबेशियस ग्लैंड है वो एक्सेसिव ऑयल मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से उनका चेहरा हर समय चिपचिपा रहता है। तो नीम ऑयली स्किन वालों में सीबम से जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है उसको कंट्रोल करती है, कम करती है। इसके साथ साथ जो ड्राई स्किन वाले हैं उनकी स्किन को वो हाइड्रेटेड रखती है, मॉइस्ट करती है। साथ में जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है मतलब कि कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है स्किन पे, कोई इन्फेक्शन है या उनकी स्किन पे कोई इचीनेस है, रैशेज़ हो गए हैं, तो नीम उन सबको भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो सभी स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है हनी, शहद, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे स्किन को मॉइस्ट रखता है, हाइड्रेटेड रखता है और जो मॉइस्चर है उसको लॉक करता है हमारी स्किन में, जिसकी वजह से क्या है कि जो एक रिंकल्स झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं स्किन पर, उससे हमारी स्किन को बचाता है। ऑयली स्किन में जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये हमारे पोर्स को टाइट करता है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा हल्दी है, जो कि हमने सिर्फ 1 पिंच यूज़ की है, 1 चुटकी। हल्दी हम सभी लोग जानते हैं एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं इसमें, तो ये भी हमारे स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो हमारे स्किन पे टैन आ जाता है उसको भी ये बहुत अच्छे से निकालती है। इन सब के जो हमने सारे बेनिफिट्स देखे तो हमें ये पता चला कि जो विंटर सीजन में हमारी स्किन में एक बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, या स्पेशली जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है कि अपनी ड्राई स्किन को कैसे हैंडल करें। अगर हम वीक में इस फेस पैक को 2 बार यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी ठंड की ड्राइनेस को ईजीली हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको ये फेस पैक अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए और इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा कर सकें और विंटर सीज़न में अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्ट और ग्लोइंग रख सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।